नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के शो मेरी शक्ति आयु शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयु शक्ति डॉक्टर डॉक्टर स्मिता नरम, डॉक्टर स्मिता वैद्य नरम। डॉक्टर स्मिता नरम जी, इंडिया सहित यूएसए, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों में चिकित्सा में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। आज से ही नहीं बल्कि 27 सालों से वो लोगों को अपने क्लिनिक आयु शक्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करती आ रही हैं। इन्हीं कार्य की वजह से उन्हें काफी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 27 सालों के दरमियान पुराना दर्द, हैवी ब्रेथलेसनेस और वंश को आगे बढ़ाने में सहायता की है। डॉक्टर स्मिता नरम जी बेसिक केमिकल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबर रह चुकी हैं। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस शो के पीछे आपका क्या मकसद है। सो इस शो के जरिए विश्व भर में सेहत मिले, लोगों को अपने जीवन में सेहत मिले, यही हमारा मकसद है। मेरे जीवन का ये यज्ञ ही है कि दुनिया भर में सेहत फैलाना, और इस शो के द्वारा हम लोगों को बताएंगे क्या खाए, क्या ना खाए, कैसे जिए, ताकि वो हमेशा तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे। और यदि किसी को कोई क्रॉनिक परेशानी सता रही है, क्रॉनिक बीमारी सता रही है, तो क्या करे ताकि वो जड़ से निकल जाए, जैसे कि हाई ब्लड शुगर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की कोई तकलीफ़ हो, या तो ब्रेथलेसनेस, अस्थमा, आर्थराइटिस, बैक पेन, नेक पेन, जोड़ों का दर्द, पूरे शरीर का दर्द हो, या बच्चों की कोई तकलीफ़ें हो, बच्चों में जैसे कि भूख न लगना, बार बार बीमार होना, ऑटिज्म होना, इस प्रकार की कोई बीमारी, या तो इनफर्टिलिटी और IBS या डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि क्या खाए और कैसे जिए ताकि इन बीमारियों से हमें मुक्ति मिले। मैम, आप हमें ये भी बताइए कि इन बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बीमारियां भी मेहमानों की तरह पूछ कर नहीं आती हैं, इसलिए सावधानी में ही समझदारी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि व्यायाम और आहार विहार से हम हेल्दी रह सकते हैं, और आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, लेकिन आइए हम जानते हैं डॉक्टर स्मिता जी से इसके बारे में। सो एक्चुअली हमारे शरीर में कोई रोग ना होना ये सिर्फ तंदुरुस्ती की निशानी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेट ऐसे बड़े दिखाई देते हैं, बड़े ऐसा लगता है परमानेंट प्रेग्नेंट हो गए जैसे कि, और अचानक से बड़े पैमाने पे डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, या तो कैंसर, या कोई ऐसी बीमारी अचानक से आ गई कि उनको तो शॉक लग जाता है और पूरा परिवार जो है उसके पीछे परेशान हो जाता है, और इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे शरीर एक छोटे छोटे सिग्नल्स भेजते रहते हैं, जैसे कि कई लोगों को धीरे धीरे करके हैवी भारीपन लगने लगता है, बहुत ही मेहनत के बावजूद भी वज़न कम नहीं होता, पहले पतले थे लेकिन अचानक थोड़ा सा वज़न बढ़ गया, तो हम उसे इग्नोर करते हैं। हमको लगता है यार कोई परेशानी तो है ही नहीं, इग्नोर इट। मैम, आजकल ये देखा जा रहा है कि लोगों में डायबिटीज बहुत तेजी से हो रही है, हर दूसरा इंसान डायबिटिक है, तो ये शरीर में कैसे शुरू हो जाती है? पहले तो ऐसा होता है कि 30-35 साल की उम्र में धीरे धीरे किसी का वजन बढ़ने लगता है, तो वही खाना खाओ, वही एक्सरसाइज की रूटीन है, या तो जितनी भी थोड़ी बहुत हम चल लेते वो इतना ही चल रहे, फिर भी वजन बढ़ रहा है, तो पता नहीं चलता क्यों। एंड पहले शुरुआत होती है पेट से, फिर धीरे धीरे थाइज और हिप्स भी बढ़ने लगते हैं, तो 4-5 साल इस तरीके से धीरे धीरे करके वज़न बढ़ते रहता है, और अचानक से, क्योंकि ये टॉक्सिन्स इकट्ठे होने की निशानी है, इसका मतलब कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स पैदा हो रहे और इकट्ठे हो रहे, और फिर ये यदि धीरे धीरे पैंक्रियास में चले गए, तो एक 5-7 साल के बाद अचानक से हाई ब्लड शुगर धमाका हो जाता है, और उसके बाद बहुत ही झटका लग जाता है कि अचानक से ये कैसे हो गया। और उस वक्त ऐसा होता है कि पैंक्रियास तो इंसुलिन पैदा कर रहे, लेकिन ये इंसुलिन हमारा खुद का, हमारे खुद के लिए काम नहीं कर पाता, क्योंकि टॉक्सिन्स जो है वो उसके उसे रोक देते हैं। लेकिन ये जो कभी कभी हमारे बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं, हाँ, तो रोजाना ही सिग्नल्स बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए, मतलब अगर आप हमें बताएंगी तो हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा। आयुर्वेद बोलता है कि हर व्यक्ति में वात, पित्त और कफ, इसकी
वृद्धि या कमी होती है और हमारे शरीर को वात, पित्त और कफ, ये तीन ऐसी वाइटल एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है। यानी हमें वात, पित्त, कफ तो चाहिए तब हमारा शरीर चलता है, लेकिन यदि ये कम ज़्यादा हो गए तो फिर तो हमें डिजीज़ या तो प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। तो जैसे कि कफ है, तो कफ एक प्रकार की ऐसी बलगम है जो हमारे शरीर में लुब्रिकेशन करती है। जैसे कि हमारे अंदर इतने सारे ऑर्गन्स है जो चिपकते नहीं, क्यों? क्योंकि जो उसके उसको कवर करने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक कफ का स्वरूप है। या तो आपकी नाक ऐसी है, मेरी नाक अलग है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी मेरी कफ ने मेरी हड्डियों और मसल का ये शेप किया, आपकी ये शेप किया, तो हर एक की अलग अलग शेप, ये वो सब कुछ कफ की वजह से है। लेकिन कफ जब बढ़ जाता है शरीर में, तो क्योंकि वो वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे शरीर में शुरुआत होती है कफ, कोल्ड, क्रॉनिक, बलगम, ये सब से। और फिर उसके बाद ये कफ जहाँ जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ ब्लॉकेजेस पैदा करती है। यदि पैंक्रियास में गई तो डायबिटीज़, यदि आर्टरीज में गई तो फिर हार्ट प्रॉब्लम, यदि हेड के अंदर कहीं चली गई तो पैरालिसिस की स्ट्रोक आ सकती है, या फिर किसी को ट्यूमर या फाइब्रॉइड या एकदम एक्सट्रीम लेवल में कैंसर भी हो सकता है। तो ये कफ जो है, जब हमें कभी भी कफ हो जाए, बलगम होती है ना हमें कई बार, तो जनरली एक टेंडेंसी है कि फट से इसे सप्रेस कर दिया जाए, एंटीबायोटिक ले लो, ख़त्म हो गई मामला, सप्रेस कर दो। तो ये कफ हमारे शरीर में जो बड़ी हुई वो तो शरीर में ही रह गई, हमने उसे तो प्रोसेस करके ख़त्म नहीं किया, उसे सुखा दिया हमने वहीं का वहीं। उसकी जगह यदि उसी दौरान दूध और गेहूं की चीज़ें बंद कर दी जाए, जब कफ है तभी बंद करना है दूध और गेहूं की चीज़, ताकि कफ ज़्यादा पैदा ना हो। और साथ में सौंठ का पानी, दिन भर गर्म पानी लिया जाए जो कफ को पचन करके प्रोसेस कर देता है, तो समय उतना ही लगेगा जितना कोई और दवाई से लगता है, लेकिन आपकी कफ शरीर में रह के नुकसान नहीं करेगी। तो या तो उसी दौरान 10 तुलसी के पत्ते और एक दो मिरी खा ली जाए, तो तुरंत कफ जो है वो ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, कफ प्रोसेस होके चला जाता है। तो इस तरीके से ये कफ हो गया। वैसे ही हमारे शरीर में पित्त की एक एनर्जी है, पित्त जो है वो हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में सन एनर्जी जो होती है, सूर्य की शक्ति से हर प्रकार का परिवर्तन पैदा होता है। सूर्य प्लांट पे गिरा तो फोटोसिंथेसिस होके ग्रेन्स बनेंगे, फिर ग्रेन को हम पीसेंगे तो आटा बनेगा, उसमें भी एक गर्मी पैदा होती है, वो आटे में से ब्रेड बनाने के लिए भी हीट लगती है, राइट? तो उसी तरीके से हमारे शरीर में जो हम खाना खाते उसे हजम करने और उसमें से फिर टिश्यूज बनाने के लिए हमें बहुत ही वाइटल ऐसी हीट लगती है, और ये पित्त का स्वरूप है। तो ये हमें चाहिए, लेकिन ये जब बढ़ जाता है तो पित्त वो गर्म है, जैसे सूर्य बढ़ जाता है वैसे शरीर में हीट बढ़ गई तो गुस्सा आता है, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम, बालों का झड़ जाना अचानक से, या कभी कभी बहुत जलन होने लगती है, या किसी को हेडेक भी होता है, माइग्रेन का तकलीफ होती है, तो ये सारी चीज़ें पित्त की बीमारी है। तो यदि किसी को ऐसे लक्षण पैदा हो के यार मुझे बार बार गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाता है, या तो मुझे कभी कभी यू नो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो ये सिम्टम्स है कि आप ज़्यादा पित्त प्रधान हैं, तो आपको खाने में ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो पित्त करे, जैसे कि खट्टी, फिर स्पाइसेस वगैरह नहीं खाने चाहिए। और उसके साथ साथ एक ये घरेलू प्रयोग है, यदि ये रोज़ करे तो गर्मी जो है वो शांत हो जाती है। कई लोग बोलते हैं ना मेरी गर्मी की तासीर है, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें लेना है 20 मुनक्का, उसे भिगा करके उसका जूस निकाल दिया जाए, हाँ स्क्वीज कर दिया जाए, उसमें आधी चम्मच जीरा का चूर्ण, आधी चम्मच सौंफ का चूर्ण और आधी चम्मच धनिया का चूर्ण मिला करके, पाव कप थोड़ा सा पानी मिला करके एक ड्रिंक बना के इसे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो ये करते रहने से धीरे धीरे गर्मी शांत हो जाती है और कई लोगों को पुरानी पित्त की बीमारियाँ भी ठीक होने लगती है। वात जो है वो बड़ा नोटोरियस है, क्योंकि वात एक प्रकार की हवा है, जो जैसे कि एटमॉस्फेयर में हवा बहुत ज़्यादा चल गई तो सब सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, पत्ते गिरने लगते हैं, और हवा यदि कम चली तो हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी,
यदि कोई रूम में हवा नहीं घूम रही है तो हमें थोड़ी देर में सफोकेशन महसूस होता है। तो उस तरीके से ये एक वाइटल प्राण है जिसको बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि हमारी जो ब्रीदिंग है ना, वो एक प्राण नाम के वात से कंट्रोल होती है। तो यदि एक इंसान मर गया, क्योंकि मॉडर्न साइंस ये बोलता है कि ऑक्सीजन लो तो हम जिंदा रहते हैं, राइट? सो यदि कोई मर गया तो उसमें यदि हमने ऑक्सीजन इन्फ्यूज कर दिया तो वो जिंदा हो जाएगा? नहीं हो पाता, राइट? तो यही निशानी है कि हमारे शरीर के सारे फंक्शंस के पीछे एक वाइटल फोर्सेस है जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हम एक्सपीरियंस करते हैं उसकी। तो ये वात जो है वो हवा से बना हुआ है। यदि ये वात बैलेंस में हो तो हम अलर्ट रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं और हम बहुत ही एक्टिव भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। लेकिन यदि ये वात इम्बैलेंस हो गया, बढ़ गया, तो हमको जकड़ाहट महसूस होती है, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, शोल्डर पेन, नेक पेन, ये सब पेन रिलेटेड बीमारियां दिखाई देती है। एक्सट्रीम वात बढ़ने से पार्किंसंस या पैरालिसिस टाइप की तकलीफें भी हो सकती है, और थोड़ा सा वात बढ़ गया तो कन्फ्यूजन मेंटल लेवल पे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डर लगना, नींद नहीं आना, गैसेस पैदा होना, तो ये सारी निशानियाँ हैं वात बढ़ने की। तो यदि किसी को वात बढ़ने की थोड़ी बहुत सिम्टम्स दिखाई दे तो उस दौरान उनको कच्चे पदार्थ बंद करने, जैसे सलाड है वो गैसेस पैदा करते हैं, तो जिस चीज़ से हमें गैसेस होते हैं, हेवी बीन्स, चना, राजमा वगैरह या कच्चे सलाड जो होते हैं, वो बिल्कुल बंद कर दिए जाए ताकि नए गैसेस फॉर्म ना हो। और साथ में रात को सोते वक्त आधा चम्मच तिल का तेल एंड हाफ अ टीस्पून जो है वो घी मिला करके पी लिया जाए, या सुबह अर्ली मॉर्निंग पी लिया जाए, तो वात एकदम धीरे धीरे शांत होता है और उनके जॉइंट्स पहले से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, उनको अच्छी नींद आएगी, गैसेस नहीं पैदा होंगे। तो हम वात, पित्त और कफ के असंतुलन के बारे में कैसे जान सकते हैं? सो बेसिकली जब कोई हमारे पास आता है तो आयुशक्ति डॉक्टर पहले तो नाड़ी देख करके पता करते हैं कि इनके शरीर में क्या असंतुलन है। जैसे कि आपका हाथ दीजिए, तो ये जो राइट हैंड है वहाँ पर ये रेडियल आर्टरी यहाँ से जाती है, तो हम यहाँ पर तीन उंगलियाँ रखते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन से उंगलियों में सबसे ज़्यादा पल्स फील हो रहा है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जंपिंग हो उस उंगली में जो दोष पताता है वो ज़्यादा है। जैसे कि ये वाला बात है, इस उंगली में ज़्यादा जम किया, ऐसे ऐसे महसूस हुआ, तो ये वात है, मतलब आपके शरीर में वात ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा महसूस हुआ तो आपके शरीर में पित्त ज़्यादा है, और यदि इसमें ज़्यादा महसूस हुआ तो आपके शरीर में कफ ज़्यादा है। और कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, क्योंकि आजकल इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है ज़माना कि एक ही इम्बैलेंस होना ये कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें, जंक फूड ये वो सब खाते रहते, मिक्सचर ही होता है, तो फिर कई बार दोनों उंगलियों पे ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से पता चलता है। और ऑफ कोर्स आप अपने लक्षण से भी जान सकते हैं, जैसे कि बार बार कफ होना, बलगम हो जाना, गला पकड़ लेना, तो ये सब कफ की निशानी है। फाइब्रॉइड होना, PCOD, ये सब कफ की निशानी है, सिस्ट होना वगैरह, या हेडेक, स्किन प्रॉब्लम, या एसिडिटी या गर्मी की तासीर, तो पित्त होना, और या बार बार जकड़ाहट हो जाती है, बैक पेन कभी कभी हो ही जाता है, नेक पेन हो ही जाता है, या नींद सही ढंग से नहीं आती, बहुत ही परेशानी मेंटली रहती है, तो ये वात की निशानी है। तो उस तरीके से जान सकते हो, और जैसे मैंने बताया वो सब उपाय करेंगे तो आप डे टू डे उसे बैलेंस कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्मिता जी। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो आप प्लीज हमें लिख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए आपको एक टेक्स्ट करना पड़ेगा AYU575758 पर। आप हमें टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 1800-266-3001 पर, और हमारा ईमेल आईडी है info@ayushakti.com।
com. तो प्लीज आप इस पे अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं. हम इसकी चर्चा अपने कार्यक्रम में करेंगे और आशा करते हैं कि आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. डॉक्टर स्मिता, हम देख रहे हैं आजकल कि कई लोग 60-70 की उम्र तक भी बिल्कुल थकते नहीं है, बहुत स्वस्थ जीवन बिताते हैं. ना उनको जोड़ों का दर्द सताता है, ना उन्हें डायबिटीज होती है, ना हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होती है. बिल्कुल. वो एक दर्द मुक्त स्वस्थ जीवन जीते हैं. बिल्कुल. तो उनकी तंदुरुस्ती का राज क्या है? बात यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने शरीर के संकेत को समझ लेते हैं और एवरीडे उसे बैलेंस करते हैं. सो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के अलावा वो अपने पाचन का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, यानी हमारा शरीर 80% बाहर की चीज़ों को एक्सपोज होता है खाने के द्वारा. तो जो हम खाना खाते हैं वो यदि हजम नहीं हुआ तो उससे फिर ऊर्जा नहीं बनेगी और ताकत नहीं बनेगी, तो वो एक हो गया. तो ये लोग ऐसे है कि जब ऐसा लगा कि बदहजमी हो गई तो फास्टिंग कर लिया, तो अपनी पाचन का ख्याल रखते हैं. जब हम खाना खाते बेस्ट एकदम नरिशिंग फूड खा लेते, लेकिन यदि वो हजम ही नहीं हुआ तो फिर हमको उसकी ऊर्जा बनती ही नहीं है. हमारे शरीर में एवरी डे लाखों सेल्स मरते हैं और लाखों नए टिश्यूज पैदा होते हैं, और यदि ये नए टिश्यूज पैदा सही ढंग से नहीं हुए तो फिर तो एजिंग फैक्टर शुरू, बुढ़ापा शुरू हो जाता है. तो ये लाखों नए टिश्यूज पैदा होने की ऊर्जा हमारे खाने से मिलती है, और खाना जब हजम होता है तब ये ऊर्जा जाती है हमारे टिश्यूज तक. और यदि खाना आधा हजम हुआ तो उसमें से आव पैदा होता है. ये आव जो है वो हमारे शरीर में आधा पचा हुआ पदार्थ रह जाता है, जो शरीर को पता नहीं उसका क्या करना, क्योंकि या तो नरिशमेंट आप एब्जॉर्ब करो या वेस्ट मटेरियल को निकाल दो बाहर फेंक दो स्टूल के द्वारा. लेकिन ये तो ऐसी चीज है जो ना ये है ना वो है, बीच वाला है ये, तो वो वहीं पे रह जाता है, फिर सड़ता है सालों साल तक. उसमें से म्यूकस पैदा होती है, बड़ा स्टिंकी आव होता है कि, और फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ टॉक्सिन्स के ब्लॉकेजेस पैदा करता है. और ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स ये आव इकट्ठा हो करके बीमारियाँ जो है उसकी वो जड़ बन जाता है. तो ये जैसे आपने बताया आव टॉक्सिन्स, तो इसकी हमारे शरीर को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती. बिल्कुल, आव हमारे शरीर को चाहिए ही नहीं, वो एक पॉइजन है. तो ये हमारे शरीर में जमा हो रहा है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा? सो बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि अपनी जो जीभ होती है वहाँ पे बलगम इकट्ठी हो गई, एक वाइट कोटिंग हो जाता है कई बार, तो ये आव का लक्षण है. कई बार ऐसा होता है कि हमें खाना खाने के बाद एकदम भारी, इतना भारी महसूस हो कि कॉफ़ी ना पिए या चाय ना पिए तो हम अलर्ट नहीं रह सकते, नींद आने लगती है जबरदस्त, तो ये भी आव का लक्षण है. कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को स्टूल में मल में बदबूदार होता है, मल यू नो, या तो बदबूदार गैसेस छोड़ते रहते हैं या कई बार स्टिकी मोशंस होते हैं, तो ये भी आव का लक्षण है. शरीर में भारीपन लगना, पेट ऐसे फूल जाना, बाकी का शरीर पतला होना, तो ये भी आव का लक्षण है. तो इस प्रकार से जब लक्षण हो तो ये आव दूर करने के उपाय कर लेने चाहिए. अच्छा, तो ये तो इतना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, तो इसे तो बिल्कुल हटा देना चाहिए. बिल्कुल. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसको हटाने के लिए बहुत ही सिंपल से इलाज है. जब भी आपको महसूस हुआ कि मेरा पेट भारी है, आज जीभ कोटेड लग रही है या ऐसा कुछ भी, तो जब तक आव का पाचन न हो, मतलब आपको हल्कापन महसूस ना हो, तब तक गेहूं, रेड मीट और तली हुई चीजें से दूर रहे, क्योंकि ये बहुत ही भारी है पाचन करने में. तो जितनी खुराक हैवी है खाने में उससे दूर रहे, ज्यादा करके लाइट यू नो वेजिटेबल्स, मूंग दाल, या तो कोई नॉनवेज खाता है तो फिश चिकन ले सकता है, लेकिन गेहूं बंद करे, रेड मीट बंद करे. उसके अलावा महीने में एक बार डिटॉक्स करना चाहिए. पांच दिन केवल मूंग और सब्जी पे रहे, जैसे कि हम मूंग की कोई साबुत मूंग की दाल बना ले या उसके कोई कटलेट बना ले, तो उस तरीके से पांच दिन केवल मूंग और सब्जी पे ही रहना है. ध्यान रहे उसमें तली हुई मूंग की चीजें नहीं खानी है. एक बार ऐसा हुआ था, मेरे यहाँ एक आई थी पेशेंट, इतनी मोटी थी ऐसी, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े दो टायर दिखाई दे रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप 15 दिन केवल मूंग और सब्जी पे रहिए. तो 15 दिन के बाद ये करने के बाद उनका तो एटलीस्ट 2 किलो से 3 किलो वजन कम होना चाहिए, उसकी जगह उनका तो 1 किलो बढ़ गया.
फिर उनका हस्बैंड आया, बोलते अरे ये तो क्या कुक है, पता है मूंग में से इन्होंने तो वड़े बनाए, मूंग के शीरा बनाया। तो इस दौरान मूंग यानी वड़े और शीरा नहीं खाना है, सावध मूंग की दाल और मूंग की चाट बना के बॉइल्ड मूंग खाने हैं और सब्जियां खानी है। फिर ये जब तक आपको हल्कापन नहीं महसूस हो, वैसे 5-6 महीने तक लगातार करते रहे तो उससे फिर अंदर के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और उससे आप बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होने से बच जाएंगे। अच्छा इसमें तो जी आपने भी बताया कि हमारे शरीर में कई सेल्स मरते हैं और हर दिन लाखों की तादाद में पैदा भी होते हैं। हाँ। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे नए सेल्स लगातार बनते रहें और ये जो बुढ़ापे की प्रक्रिया है हम इसे थोड़ा टाल सकें? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पहली बार टॉक्सिन्स को जला दिया जाए, दूर रखा जाए, बैलेंस फूड खाया जाए, हमारा पचन अच्छा रहे उसकी ख्याल रखा जाए और फिर उसके बाद नरिशिंग फूड खाया जाए। क्योंकि जैसे एक दिया होता है, जब वो जलता है तो उसमें हम तेल डालते हैं, तो वो उसकी जो ज्योत है तब तक जलती रहेगी जब तक हम तेल डालते रहेंगे। उसी तरीके से हमारा शरीर हमारी ऊर्जा रोज इस्तेमाल कर रहा है, रोज उसको नए सेल्स बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। तो यदि आप जो खाना खाते हैं वही सही ना हो, उसमें पोषण ना हो, जंक फूड हो ज़्यादा करके, एवरीडे जंक फूड कभी कभी ठीक है, हमें भी मज़ा आता है खा लेते हैं, पर एवरीडे यदि मैदे की चीज़ें, तली हुई ऐसी चीज़ें खाई जाए जिसमें सत्व नहीं है, तो फिर हमको बुढ़ापा जल्दी से आ ही जाएगा, बहुत सारे रोग आ सकते हैं टॉक्सिन्स की वजह से। तो इसलिए नॉर्मली खाने में हमेशा हल्का फुल्का खाना चाहिए, गेहूँ थोड़ा कम खाए, मिक्स ग्रेन की रोटी खाए ताकि सत्व मिले हर प्रकार के धान्य का, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए खाने में, क्योंकि प्रोटीन खाने से हमारे मसल्स अच्छे बनते हैं। सब्जियाँ एटलीस्ट 60% होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कुक्ड वेजिटेबल्स जब खाते हैं हम तो उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिससे हमें बहुत विटामिन वगैरह से ताकत तो मिलती है, लेकिन सब्जियाँ जो है वो आम का पाचन भी करती है रोज़ रोज़। इसलिए खाने में 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, थोड़ी सी राइस और हो सके तो गेहूँ कम खाना 40 के बाद, क्योंकि 40 के बाद गेहूँ हजम करना मुश्किल है, या मिक्स ग्रेन रोटी खा लीजिए। तो ये एक तरीका हुआ अच्छा रहने का। 40 के बाद तो गेहूँ की चीज़ें खानी नहीं चाहिए क्योंकि हम हजम नहीं कर पाते। तो जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में बहुत थकान रहने लगी है, वो थका थका महसूस करते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे? बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये समस्या सभी की है। एवरीडे 5-6 बजते कि बहुत थक गया, बस हो गया, कैसे काम करूं? तो एक सादा सा प्रयोग है, एवरीडे ये ब्रेकफास्ट रेसिपी लेने से दिन भर बहुत ही ऊर्जा बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी हमेशा। तो इसमें करना है 4 डेट्स, खजूर होते हैं ना, उसको 4 खजूर लेनी है, और डायबिटीज़ हो तो ना ले खजूर को। उसके बाद 8 आलमंड बादाम, 1 चम्मच भर के सौंफ, 2 इलायची, साबुत होल इलायची, तो इनको भिगा कर रख दे रात भर, और उसको फिर सुबह बादाम के छिलके निकाल दे, इलायची के छिलके निकाल करके उसे पीस डाले, और ये एक प्रकार की स्मूदी एवरी डे ले लेनी चाहिए जी। तो उससे बहुत ही एनर्जी बनी रहेगी। और यदि कोई एक्सरसाइज करता है, जिम करने के आदी है, या आपके मसल्स कमजोरी महसूस करते हैं, तो उसमें प्रोटीन का पाउडर भी डाल दीजिए 1 स्कूप, तो उससे फिर प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी रेसिपी। ओके, जैसे कि पहले के ज़माने में हमारे पास समस्याओं को ढूंढने के लिए कोई तकनीक नहीं थी, कोई एक्सरे नहीं था, डॉक्टर्स पहले नाड़ी देखते थे और उन्हें पता चल जाता था कि बीमारी क्या है। लेकिन आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी हैं, तो उससे हमें समस्या का तो पता चल जाता है, लेकिन असली उपाय पता नहीं चलता है। तो ऐसे में सिर्फ हम लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं पूरे जीवन और इससे सिर्फ लक्षण दब जाते हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है? आयुशक्ति का जो पिछले 29 साल का एक्सपीरियंस है जी, उसमें हमने देखा है कि आयुर्वेद में गंभीर समस्याओं को जड़ से मिटाने के इलाज है जी। और यदि सही तरीके से काम किया जाए तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप लक्षण भी चले जाते हैं और हमारी समस्या जो है वो हमारे जीवन से भी कायम के लिए चली जाती है, हमेशा के लिए चली जाती है। तो जो पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, हाँ, तो इसके उपचार के लिए आयुशक्ति कैसे काम करता है? सो बेसिकली पुरानी स्वास्थ्य समस्या के लिए पहले तो आयुशक्ति के डॉक्टर्स नाड़ी देखते हैं, ऑफकोर्स
और उससे ये पता करते हैं कि आपके शरीर में क्या इम्बैलेंस है, वात पित्त कफ, ये इनका कहाँ कितना लेवल का इम्बैलेंस है। दूसरा ये पता करते हैं कि आपके शरीर में आम या तो कोई भी प्रकार के टॉक्सिन्स यदि है तो कहाँ इकट्ठे होकर के वो ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं, कौन से ऑर्गन में या कौन सी चैनल के अंदर जा करके ये सेटल होके बैठ गए हैं और वहाँ बैठ करके ये सारी समस्या पैदा कर रहे हैं। तो उसको फिर हम एक कम्बिनेशन ऑफ थेरापीज जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है वो मिला करके उसको हम सारी चीज़ को बैलेंस करते हैं, टॉक्सिन्स निकाल देते हैं और जो वीक ऑर्गन है जैसे कि आर्थराइटिस हो तो उसमें आर्थ्रॉक्स ट्रीटमेंट करने के बाद जब हड्डियाँ वगैरह सूजन से फ्री हो जाती है, टॉक्सिन्स से फ्री हो जाती है तो फिर हड्डियों को पोषण देने की प्रक्रिया करते हैं और उस तरीके से पुराना आर्थराइटिस में भी लोग बहुत अच्छे तरीके से चल फिरने लगते हैं। ओके, तो डॉक्टर स्मिता जी आप हमें हमारे दर्शकों को कोई आसान तरीका बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि सॉल्यूशन तो बिल्कुल हमारे किचन में ही है, डाइट 80% जो रोल प्ले करता है वो है डाइट। तो जिसको जो प्रॉब्लम है उसको क्या खाना चाहिए वो हमारे डॉक्टर स्पेशलाइज्ड नाड़ी देख करके तय करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि ये खाइए ये ना खाइए। तो ये सही ढंग से करने से 80% प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन शुरू हो गया। उसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो डाइट के अलावा और क्या कर सकते हैं, कोई और तरीका हो? बिल्कुल, जैसे कि हर्ब्स जी। सो आयुशक्ति के बहुत सालों से प्रमाणित और सिद्ध किए हुए हर्बल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो अंदर जा करके जड़ में से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच करके उसे वहीं पे सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है हमारे शरीर से बिल्कुल निकल ही जाती है। तो गंभीर समस्याओं में राइट हर्बल कॉम्बिनेशन जो काम करे ऐसा वो बहुत ज़रूरी होता है। साथ में लाइफस्टाइल, हम क्या खाएं, कितना सोए, कब सोए, कितनी एक्सरसाइज करें, कौन सी टाइप की एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत हमें मदद करती है। यदि सही चीज़ करी जाए तो हमारी सेहत बन सकती है। उसके अलावा हमारे खुद के किचन में होम रेमेडीज हम जिसे बोलते हैं, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड्स में हमेशा बात करते रहेंगे कि कैसे आप अपने खुद के किचन के इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में कंबाइन करके छोटी मोटी समस्याओं को तो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी को बहुत ही गंभीर समस्या हो और पुरानी समस्या हो तो फिर तो उनको एक पर्टिकुलर जो हमारे डॉक्टर्स ने प्लान की हो वैसी ट्रीटमेंट्स करनी बहुत ही आवश्यक होती है, तब ये समस्या जड़ से चली जाती है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्मिता। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके जीवन में स्वास्थ्य लाना चाहते हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो आप प्लीज हमें लिख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए आपको एक टेक्स्ट करना पड़ेगा AYU575758 पर। आप हमें टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 1800263001 पर और हमारा ईमेल आईडी है info@ayushakti.com। तो प्लीज़ आप इस पे अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं, हम इसकी चर्चा अपने कार्यक्रम में करेंगे और आशा करते हैं कि आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए हम विदा लेते हैं और अगली बार हम फिर आएंगे डॉक्टर स्मिता जी के साथ हमारे अनोखे शो में जिसका नाम है मेरी शक्ति आयु शक्ति हेल्थ फॉर यू। तो हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर स्मिता नरम जी। इंडिया सहित USA, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों में चिकित्सा में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। आज से ही नहीं बल्कि 27 सालों से वो लोगों को अपने क्लिनिक आयु शक्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करती आ रही है। इन्हीं कार्य की वजह से उन्हें काफी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 27 सालों के दरमियान पुराना दर्द, हैवी ब्रेथलेसनेस और वंश को आगे बढ़ाने में सहायता की है। डॉक्टर स्मिता नरम जी बेसिक केमिकल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबर रह चुकी है।